भी पाए। मुंह जबानी न जिताता के मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता के मोहब्बत क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। जरा ये वीडियो देखिए। लेकिन बच्चों पे अगर केस हो जाता है, मिसाल के तौर पर जैसे वो मुझे गाली दे रहे हैं, मैंने ऐसा कब कहा था? आपको पता है कि जो कानून नए बने हैं कि अगर मैं हद की इज्जत का केस करूं तो 30 लाख रुपया तो इन बच्चों को पहले देना पड़ जाएगा, मजबूरी में कि वो अपने आसर फंसाने पड़ेंगे, जो नया कानून है। आपने तो उनके साथ नहीं खड़ा होना, और मैं ये कोई थ्रेट नहीं करा कि मैं करूंगा। ओ अल्लाह दे बंदा, जा अपना काम कर, ये तेरा काम ही नहीं है। इस हद तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? लेकिन आपको बता रहा हूं कि इन बच्चों का करियर मत तबाह करें। अरे तू जा रही, आपने इनको छोड़ के भाग जाना है, ये बेचारे रुल जाएंगे सारी जिंदगी के लिए। उन बच्चों को मैं यही कहूंगा, बेटा आप भी जो है वो ठीक है सारा कुछ करें, लेकिन देखें कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। इल्मी गुफ्तगू को उस हद तक रखें, किसी को गैरत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को गाली दे रहे हैं या जो हमें गाली है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हां खूब। हां इन लोगों को अगर ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करनी होती है तो ये सोशल मीडिया पे क्यों आते हैं? अपने घर में बैठे ना, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा सोशल मीडिया पे आके हर बंदे को उन्होंने पंगा लेना है, छेड़ना है, तंग करना है, और जब उनके रिबटल में बच्चों ने तो मीम्स बना देनी है या इनको कोई बात कर देनी है तो इन्होंने जी आके बड़े सख्त प्रोफेसर बन जाने दिए। जी देखिए जी, अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ, आपके पीछे इंजीनियर साहब भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। और अपनी वीडियो में भी कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब मैंने आपको गैरत करने का कहा, इस पर मुझे कत्ल की धमकियां देने की क्या जरूरत है? कत्ल की धमकी, वो भी कैसे रहे राजा को? और यार आप हो गोन और नसो इधरों। वो एक और बची है सईदा बतूल, मेरे ख्याल में नाम का एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा था जिसमें वो बता रही थी कि आपकी तरफ से बहुत थ्रेट्स उनको मिल रहे हैं आपके ग्रुप की तरफ से, तो मैंने उस चीज को बस सुना और उसके बाद मैंने ज्यादा उस पर गौर नहीं किया। मगर क्यों? लेकिन अभी जो रवैया आप लोगों का सामने आ रहा है इसका मतलब यह है कि आप लोग तो इतने मुतशद्दद हैं कि एक वीडियो पे आप कत्ल की धमकियां भी दे सकते हैं। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। आप कत्ल की धमकियां भी दे सकते हैं? अबे बावली सीरी का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है, दोबारा रिवाइंड करके सुनता हूं मैं। आप कत्ल की धमकियां भी दे सकते हैं? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? और देखो कह रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट मुझे यानी कैसे रहमत राजा को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, और साथ अपने फेवर में कौन शख्स बता रहा है कि वो आजकल बच्ची उन्होंने छोड़ी है लड़की जी, उसने भी कहा मुझे कत्ल की धमकियां मिली, तो ये लोग स्टूडेंट्स उनको देते हैं। हाय 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 सदके। यानी आज तक जिस बंदे ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सर की कीमत रखी, उसने ये नहीं क्लेम किया कि मुझे इंजीनियर के स्टूडेंट्स ने कत्ल की धमकियां दी। सर की कीमत उसने रख दी थी, हमने उसको कभी अल्लाह माफ करे किसी स्टूडेंट ने कत्ल की धमकी क्या वैसे कोई धमकी नहीं दी। जिन लोगों ने इंजीनियर के घर पर जाकर हमले किए, मुनाजरे के लिए उसके दरवाजे घर के, अपने अकेडमी के नहीं घर के दरवाजे जाकर खटकाए, हमने कभी उनको जाके नहीं कहा कि जी तुम लोग क्या कर रहे हो, हम तुम्हें कोई धमकी दे देंगे ये सब कुछ। जिन लोगों ने जुम्मे, जिन मौलवियों के ये फ्रंट मैन है, इन मौलवियों ने जुम्मे पढ़ाए और उसमें कहा जी हाथ खड़े करो जी, कौन कौन जाएगा हमारे साथ इस मलहून उनके खिलाफ, इंशाल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन तेरे ऊपर तंग किया जाएगा, तेरे हाथों में पेड़ी को लगवाया जाएगा, तेरे पैरों में पेड़ियों को लगवाया जाएगा, तुझे उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी। हजरात ग्रामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, कल जेलम के अंदर मिर्ज़ा जेलमी की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाजी इज्तिमा हो रहा है, वहां पर मौजूद हमारे साथियों के एहतजाज में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने कभी उनको धमकियां नहीं दी। और यार वो लोग जिनके पूरे पूरे पेजेस इंजीनियर के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको धमकियां नहीं दी। और तुम सबकी क्या औकात यार, वो लोग जिन लोगों ने इंजीनियर की एकेडमी के दरवाजे पे जाके पेशाब किया, और मैं पेशाब करने जा रहा हूँ एकेडमी में, ले यूनिवर्सिटी मिर्ज़ा जेलमी की एकेडमी में पेशाब कर रहा हूं। उसकी बेटी को गालियां दी, उसकी बहनों को गालियां दी, उसकी माँ को गाली दी, उसकी इतनी तजलील की कि वहां जाके बाहर लड़ना शुरू कर दिया उसकी एकेडमी की, हमने कभी उसको कत्ल की धमकी नहीं दी किसी बेचारे स्टूडेंट ने। तुझे क्यों देनी है मेरे भाई, तुम कौन हो? तुम तो आटे नमक ना, तुम्हारी कोई हैसियत ना, तुमसे हमें कोई खतरा ना, कोई लेना ना कोई देना। वो तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते, तुम लोगों के गुस्से की क्या औकात है? हद हो गई यार, इतनी बड़ी बकवास थंबनेल पे लिख के लगा दी, क्या जी वो क्लिक बेट मिलेगा जी, लोग क्लिक करेंगे कि वो इंजीनियर के स्टूडेंट ने कत्ल की धमकी दी, क्या हुआ यार? मतलब मैं हैरान हूँ यार कि एक आदमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या, दिमाग खराब है तेरा? बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस इस तरह से कि खुद नहीं कह रहा लेकिन किसी का मूवी का क्लिप लगा के कह रहा है कि वो मेरे साथ क्या करेगा। और मीम कत्ल की धमकी नहीं होती खुदा का वास्ता है, मीम कत्ल की धमकी नहीं होती। अगर आप लोग वो कत्ल की धमकी सुन लो ना तो आप कहोगे यार नहीं भाई नहीं, हम नहीं मानते कोई आदमी सोशल मीडिया पे आके इतनी बेवकूफी कर सकता, मगर ये करते रहेंगे। फ्रंटमैन जिन्होंने जेलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है, कभी वैसा है बुजुर्ग के चमका रहे हैं और कभी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इस बात पे कैसे रमत राजा साहब कहते हैं कि जी ये जो मुझे उन्होंने कहा है ना कि साले को बम से उड़ा दूंगा, ये इन्होंने मुझे धमकी दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। इन लोगों का यानी ज़ेन की पस्ती का लेवल यार ये लेवल है लोगों का यार। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुने, ये इसने अपने क्लिप में खुद कहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके किसी शागिर्द की वजह से मेरी जान को कोई नुकसान होता है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके शागिर्द पे नहीं होगी, ये आप पे भी होगी, इसलिए कि आप कमेंट कर करके इनको शह दे रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही करो। इसको जी कतर की धमकी मिली, बस करो ए, बस करो बस करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ, जाओ को दीन के लिए काम करो जाके, हमें भी पता लगे तुम्हें को दीन के लिस्ट पे पता है। मैं कैसर साहब आपको एंड में कहूंगा, ये FIR शफ़ायर जो है ना ये चैनल पे ला के बातें नहीं करते होते, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, आप जब किसी के खिलाफ बात करेंगे उसके चाहने वाले आपके खिलाफ भी बात करेंगे। और मीम कत्ल की धमकी नहीं होती खुदा का वास्ता है, मीम कत्ल की धमकी नहीं होती। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहां पर इतने इतने बड़े बंदों को जिन्होंने वाकई आके हमें लगता था ये कुछ नुकसान पहुंचा देंगे इंजीनियर को, हमने कभी उन्हें धमकी नहीं दी, इवन कभी उन पे वीडियो नहीं बनाई। ओ भाई तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी क्या हैसियत। यही नहीं अभी और सुनिए, ये लोग कौन थे सर जो चले गए जा पूछ के। तो कैसर भाई के इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक इस मीम का मतलब ये है कि अंजलि मिर्जा उसके स्टूडेंट्स कैसर भाई को पानी में फेंकने का जो स्वास्थ्य प्लान बना रहे हैं। खबरदार कोई बंदा कैसर भाई के इंटेलेक्चुअल लेवल के पास आता हूं। कंट्रोल इधर, ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। कैसर भाई का लॉजिक ये है कि आपने वो मीम देखी होगी कि समझ रहे हो, 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 समझ रहे हो ना। तो कैसर भाई के इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक इस मीम का मतलब ये है कि अंजलि मिर्जा उसके स्टूडेंट्स कैसर भाई को अंगूठा दिखा रहे हैं। खबरदार कोई बंदा कैसर भाई के इंटेलेक्चुअल लेवल के पास आता हूं। कैसर भाई का लॉजिक ये है कि आपने वो मीम देखी होगी जिसमें राजपाल यादव ये बात कहता है कि मालिक का इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स हम और ले लेते हैं। मालिक का इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं, एक उसको भी दे, उसको भी दे। तो कैसर भाई के इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक इस मीम के अंदर जाओ अंजलि मिर्जा उसके स्टूडेंट्स कैसर भाई की प्रॉपर्टी को उठाना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं, कैसर भाई की जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मस्त प्लान है। खबरदार कोई बंदा कैसर भाई के इंटेलेक्चुअल लेवल के पास आता At last. हमारे तो उस्ताद ने हमें जो सबसे बड़ी चीज सिखाई, तुम एक्सट्रीमिस्ट लोगों में वो चीज भरी है तुम्हारे मुल्लाओं ने, हमारे उस्ताद ने हमें वो बिल्कुल नहीं भरी कि तुम लोगों ने बेटा कभी भी इल्मी इख्तलाफ के अलावा कोई इख्तलाफ नहीं करना। और यार मैं ये चीज पहली दफा अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि हमें पर्सनली इंजीनियर साहब फोन करके ये कहते हैं कि बेटा आप बाजूकात गुस्से में ज्यादा बोल जाते हो, आप लोगों ने सख्ती से बात नहीं करनी है, इस्लाहतन गुफ्तगु करनी है। और ये कहता है कि इंजीनियर के स्टूडेंट ने इसको कत्ल की धमकी दी है यार लिटरली यार। Me after knowing his intellect.